हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं और आप देख रहे हैं इनविजिबल लाइट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo S1 Pro के बारे में। जी हां, Vivo S1 Pro हालांकि लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी चाइना में, मई में लॉन्च हुआ था इसी साल, लेकिन Vivo ने अपने S1 Pro का एक ग्लोबल वेरियंट और जो है वो लॉन्च किया है चाइना में आज ही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि इसमें आपको कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन मिलती है, किस तरह का फोन है ये, प्रोसेसर कौन सा मिलता है, कितनी रैम है, बैटरी कितनी है, मतलब इस वीडियो में हम पूरी इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, Vivo ने अपना S1 Pro जो है वो डायमंड शेप कैमरा मॉड्यूल के साथ लॉन्च किया है। इसमें आपको पीछे की तरफ चार कैमरा देखने को मिलते हैं जो कि एक डायमंड शेप में फिक्स किए गए हैं पीछे की तरफ। तो गाइस, अगर कैमरे की बात करी है तो इसमें आपको जो प्राइमरी सेंसर है, जो प्राइमरी लेंस मिलता है वो है 48 मेगापिक्सल का, और उसके साथ ही साथ एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है, डेप्थ सेंसिंग लेंस, और एक 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस लगा हुआ है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए। जो फ्रंट कैमरा है आपको वो किसी भी तरह के पंच होल में नहीं दिखने को मिलेगा, वो जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा है और उसका जो मेगापिक्सल है वो है 32 मेगापिक्सल। पॉपअप सेल्फी कैमरा इसलिए दिया गया है ताकि आपको फोन में जो है बेजल लेस डिस्प्ले मिल सके और एंड टू एंड स्क्रीन रेशियो आपको मिल सके। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6.38 इंच का आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, और अगर बात करें इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस की, कितनी बैटरी मिलती है, तो इसमें आपको 4500 की यानी 4500 एमएएच की पावरफुल बैटरी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से 1.5 से 2 दिन का बैकअप देने के लिए काफी होगी। प्रोसेसर की अगर इसमें बात करें तो स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। प्रोसेसर के मामले में फोन जो है थोड़ा सा लैग कर रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन आ रहे हैं जिसमें 835, 855, अब तो 865 प्रोसेसर भी अनाउंस कर दिया है स्नैपड्रैगन ने, तो वो ना देखे इन्होंने 700 सीरीज का भी कोई प्रोसेसर नहीं दिया है। इसमें आपको 675 प्रोसेसर मिलता है 600 सीरीज का। रैम की अगर मैं बात करूँ तो रैम जो है इसमें हुआ 8GB की और 128GB की स्टोरेज के साथ ये फोन मिलेगा, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं एसडी कार्ड लगाकर 256GB तक। एसडी कार्ड लगा के अगर आप इसको स्टोरेज बढ़ाना चाहें तो 256GB तक आप कर सकते हैं। कलर्स की जहाँ तक बात करी जाए तो 2 कलर्स में ये फोन जो है वो अवेलेबल है, फैंसी स्काई और ब्लैक, ये 2 कलर आपको इस फोन में मिलते हैं। जो Vivo ने अपना S1 Pro लॉन्च किया था, एक चाइनीज वेरिएंट जो लॉन्च किया था चाइना में, उसकी कीमत थी 27,500 रुपये, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएंट जो लॉन्च किया गया है इसकी कीमत है 22,500। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो ये फोन है Vivo S1 Pro ये बाकी मार्केट में कब लॉन्च होगा, मतलब इंडिया में कब आएगा, बाकी जगहों पे, बाकी कंट्रीज में कब अवेलेबल होगा, अभी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन की थोड़ा सा परफॉर्मेंस की। अगर आप लोग पबजी खेलते हैं, आजकल सभी लोग पबजी खेलते हैं, अगर आप गेमिंग लवर हैं और आप चाह रहे हैं इस मोबाइल में पबजी खेलना, तो आप इसमें आसानी से पबजी खेल सकते हैं। हालांकि हाँ, आप मतलब हाई सेटिंग्स में जाकर, हाई रेजोल्यूशन में जाकर पबजी खेलेंगे तो थोड़ा सा लैग होगा, लेकिन अगर आप मीडियम पर रख के खेलना चाहते हैं तो आप आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि 600 जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है गेमिंग के लिए भी, कोई गेमिंग में भी उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन ठीक ठाक है। और जो इसमें प्राइस जो है इसका वो है 22,500 रुपये। तो अब देखना है इंडिया में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है और किस क्या प्राइस रखा जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है पर्सनली, मुझे लगता है कि इंडिया में जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंज होंगी और जो है प्राइस में भी थोड़ा बहुत इसमें आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलेगा, और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो ये हुई इस फोन के बारे में बात। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इंडिया में कब लॉन्च होगा इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में आएगा इस बारे में भी कुछ नहीं पता है। जैसे ही पता चलेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।